आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा हो। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि में ऑक्सीकरण के लिए अलग अभिक्रिया लिखते हैं, अपचयन के लिए अलग अभिक्रिया लिखते हैं और फिर दोनों को जोड़ देते हैं, उस विधि को आयन इलेक्ट्रॉन विधि बोलते हैं। अब यहाँ पर अम्लीय माध्यम है, अम्लीय माध्यम यानी कि H प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस अभिक्रिया को हम उतार लेंगे, MnO4 माइनस, ठीक है, प्लस SO2, यहाँ पर Mn2 प्लस, प्लस HSO4 माइनस। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 7 आएगा, यहाँ प्लस 2 है, और यहाँ पर प्लस का 4 आएगा और यहाँ पर प्लस का 6 आएगा। तो आपको दिख रहा है MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बना में हुआ और SO2 माइनस से ये बना। तो देखिए यहाँ पर 4 से 6 ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, सॉरी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है HSO2 से HSO4 माइनस में। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है इसलिए ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ 7 से जो 2 जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो सबसे पहले अपचयन के लिए अभिक्रिया लिखते हैं, ठीक है, और ऑक्सीकरण के लिए लिखते हैं। तो MnO4 माइनस जो है यहाँ पर अपचयन हो रहा है, ठीक है, तो MnO4 माइनस से ये बना Mn2 प्लस। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन भी है, Mn एक है, एक Mn, यहाँ पर 2 प्लस है, ठीक है, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर जल को जोड़ देंगे, तो 4H2O। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, तो यहाँ पर 8H प्लस कर दोगे हाइड्रोजन बराबर करने के लिए, अम्लीय माध्यम है, ठीक है। तो ये जो हमारी हुई इसको हम पहली अभिक्रिया मान लेंगे, ठीक है। ये हमारा हुआ क्या, यहाँ पर प्लस 7 से प्लस 2, प्लस 7 से प्लस 2 ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है इसलिए अपचयन हो रहा है, ठीक है, अपचयन। और दूसरा वाला SO2 वाला अब लिखेंगे जहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास SO2 है, ठीक है, SO2 और फिर SO2 से HSO4 माइनस। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 सल्फर, यहाँ 1 सल्फर, इलेक्ट्रॉन लेकिन यहाँ पर है, यहाँ एक HSO4 माइनस है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए इसको हल करने के लिए यहाँ पर हमारा क्या नहीं है, इस तरफ सिर्फ हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है लेकिन इधर हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन बराबर करने के लिए यहाँ पर हम H2O लिख देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन भी इसीलिए बराबर हो जाएगा, यहाँ 2 लिख देंगे तो ऑक्सीजन यहाँ 4 और यहाँ भी 4, ऑक्सीजन बराबर, सल्फर बराबर, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए अब हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 1 है अभी फिलहाल, ठीक है। अगर यहाँ कुछ छेड़छाड़ करते हैं, यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए यहाँ H प्लस जोड़ देंगे, यहाँ 3 H प्लस कर देंगे तो हो गया 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये अब हमारा कौन सी हुई, ये हमारी दूसरी अभिक्रिया हुई, ठीक है। तो दूसरी अभिक्रिया ही हमारी हो गई। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप जब इनको जोड़ोगे तो आप देखोगे कि यहाँ MnO4 माइनस है, ठीक है, लेकिन ये इस तरह डायरेक्टली इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं, इसको तब जोड़ेंगे जब पहले में हम क्या करेंगे, यहाँ 4 H2O है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 H2O है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 H2O है। तो इलेक्ट्रॉन अभी संतुलित करने के लिए यहाँ क्या करोगे, अगर आप यहाँ पर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो तो दिक्कत हो, तो यहाँ और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे वाले में कर रहे हो, दूसरे वाले में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो भी दिक्कत हो रही है ऊपर वाले में। तो आप क्या करो, यहाँ पर आप सबसे बढ़िया क्या है कि पहले वाले में आप 2 से अगर गुणा कर दो, ठीक है, तो यहाँ 2 Mn2 प्लस इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, और
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अभी हम नहीं लिख पाए हैं, तो इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं तो और आसानी से ये गुणा कर लोगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम, सात में से दो, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन, पांच इलेक्ट्रॉन का, यहीं से डायरेक्ट लिख दो। चार में से छः कितने इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन, दो इलेक्ट्रॉन का। और हमें पता है दो इलेक्ट्रॉन हम इधर क्यों लिख रहे हैं, देखिए इधर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन क्या नहीं, अपचयन में इलेक्ट्रॉन का लाभ, इसलिए एम एन प्लस इधर लिख रहे हैं, ठीक है। इसलिए एच प्लस भी इधर लिखा था, अपचयन था, ठीक है। देखिए तो यहाँ अगर दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पांच इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल कैसे करोगे भैया, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करोगे जब यहाँ दो का गुणा कर दो और यहाँ पांच का गुणा कर दो, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा ना, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, बन के क्या आएगा, देखिए फिर हम ये हटा देते, फिर टोटल हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एम एन ओ फोर माइनस, कितना एम एन ओ फोर आएगा, टू एम एन ओ फोर माइनस, प्लस 8 दूनी 16 एच प्लस, प्लस 5 दूनी 10, 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 2Mn2 प्लस प्लस 4H2O, ठीक है। ये अब हमारी बन गई, इसको हम तीसरी इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। और फिर चौथी, यहाँ पांच का गुणा करोगे तो 5SO2, और फिर प्लस 5 दूनी 10 जल, 10 मूल जल के, फिर 5HSO4 माइनस 5 15H+, और 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम जोड़ देंगे, चौथे इक्वेशन मान लिया। अब जब आप इनको देखो जोड़ोगे ना, तब देखो अब क्या होगा, तब डायरेक्ट यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 5 10 इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन इस 10 इलेक्ट्रॉन से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 10, यहाँ पर 16H+ है, यहाँ कितने 15H+ है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि 16 और 15 यहाँ पर है, तो यहाँ पर कट के कितना आएगा, 1H+ आएगा, ठीक है। और प्लस कितने MnO2, 2MnO4 माइनस, और यहाँ पर 5SO2, ठीक है। अब 10H2O था और यहाँ पर 4, तो 10 में से 4 गए, देखिए यहाँ पर 4 नहीं था, यहाँ पर 8 होगा, हमने गलती से लिख दिया, क्योंकि 4 था पहले, ये 2 का गुणा होगा तो 8, तो 8 में से 10 गए, तो यानी कि 2, यहाँ पर 2 बचा है 10 में से, तो यही इसी तरफ लिखेंगे क्योंकि इधर ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर प्लस हम लिखेंगे 2H2O, और फिर यहाँ पर आएगा 2Mn2+, ठीक है, और फिर प्लस 5HSO4 माइनस, इस तरह से हमने बैलेंस कर दिया, ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।